ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5-6 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हुई, 8वीं फाइनल खेलने लगी है और कल वाही टीम एक नज़र आ रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। हालांकि इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें 3-4 कैचेस तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में। तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है, 70। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है, जो उसकी रवायती गेम है, अगर वैसे खेला, वैसी टीम नहीं है जैसी पहले होती थी पॉन्टिंग के दौर में या स्टीव वॉ के दौर में, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्रोसेस है जीतने का, बड़े मैचेस का, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, उस पे उनको काफ़ी एज है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ सकते हैं, आदत है उनको बड़े मैचेस खेलने की। तो अब लेकिन देखते हैं क्योंकि वो अगर आपके पास वो वाली मेरा मतलब चीज़ें ही ना हो जिससे ये चीज़ें होती हैं। सामने बहुत बड़ी टीम है, एक वंस है वो क्या कहते हैं उसको कि कोई फ्लूक कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर ये जीत सकते हैं। वेल सॉर्टेड है इंडियन टीम, उनका बैड डे आ जाए इंडिया का, ये हो सकता है। वेल सॉर्टेड है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पावर प्ले की ही मैं अगर बात करूँ तो पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने 18 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे एंड ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। तो पूरी कहानी तो वही खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने करना ही था। ट्रेविस हेड के जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं और स्टीव स्मिथ के जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, मजीद बात करते हैं, मजीद जो हमारे साथ हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या क्या गलत हुआ है। सेमीफाइनल जो हुआ ज़बरदस्त मैच हुआ, मिलर लाला कल 47वें ओवर में आउट हो गए। अगर मिलर 50 ओवर खेल जाते तो वो जो 20-30 रन शॉट थे उस वक्त मिलर को गेम रीड करनी चाहिए थी, जज करना चाहिए था, या जल्दबाजी करके बॉल अच्छी गिर गई क्या हुआ? पहले तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उसकी, ज़बरदस्त, उसने अपना काम कर दिया था, बड़े मैच के अंदर बड़ी इनिंग खेल गया था ऑलरेडी। तो वो भी इसी चक्कर में था कि 3 ओवर जो रहते हैं उसको यूटिलाइज़ किया जाए, तो ज़ाहिर बात आप फिर चांसेस भी लेते हो उसमें, फिर आप आउट भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी लग रही हो, बड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभार अपने आप को रोक लेना, तो वो उसी फ्लो में ही गया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, कैपिटलाइज कर। हाँ, तो उसमें विकेट भी गिरी है लेकिन उसकी इनिंग आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। अगर वो इनिंग ना होती, बाकी आप इन लोगों के रन देख लें कितने रन है, फिर तो 120-30 में आउट हो जाना चाहिए। 100+ रन मिलर के थे और बाकी 100 पूरी टीम, बिल्कुल। मिलर से ज़्यादा आपको ये लगता है मुशी भाई के क्लासन जिस वक्त आउट हुए ना उस वक्त से मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई साउथ अफ्रीका के लिए, बिकॉज जो मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप थी, इट वाज 95 रन पार्टनरशिप इन 113 इन कंडीशंस में, इस तरीके से जहाँ रुक के खेल रहे थे सब। क्लासन का आउट होना जो है वो दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक एंड दैट वाज द टर्न अराउंड फॉर साउथ अफ्रीका, आई थिंक, बिकॉज एक तो वो फॉर्म में बहुत था, वो तगड़ा प्लेयर है इस वक्त, वर्ल्ड कप बहुत तगड़ा खेला है वो जी। इसके अलावा मुझे जो लगता है ना कि थोड़ा सा ना पिच को बहुत पिच ने वो बिहेवियर किया है जो दोनों टीमें एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल, क्योंकि बॉल जो नया बॉल था ना वो अनइवन हो रहा था, फंस के आ रहा था, सीम भी हो रहा था, स्पिनर्स का गेंद तो शुरू से लेके एंड तक स्पिन होता रहा। तो आई थिंक स्पिनर का तो हम ये सोच सकते थे, मगर फास्ट बॉलरों के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ था। तो आई थिंक क्लासन का जो था आउट डेफिनेटली उनको सेटबैक तो हुआ है, बट वहाँ से ऊपर से जो एक पार्टनरशिप लगनी चाहिए थी ना, जो हम बार बार कहते हैं ना मिनी टेस्ट क्रिकेट, मिनी टेस्ट क्रिकेट का मतलब है जब आप कंडीशन अच्छी नहीं ना होती तो फिर आपने ना 4-5 ओवरों के लिए ना विकेट को डिनाई करना होता है, विकेट नहीं गिरने देनी होती, क्योंकि फिर ड्रेस रूम में जैसे विकेटें गिरती रहती ना हर 2-3 ओवर में, तो बड़े मैच में सेमीफाइनल प्रेशर बिल्टअप पर होता है। तो आई थिंक अच्छी टीमें क्या करती हैं उसी वक्त कम्युनिकेशन करती है, कहते हैं भाई 5 ओवर में 5 मेडन चले जाएँ, अब अगले 5 ओवर में विकेट नहीं गिरने देनी, क्योंकि हम ये पिच के अंदर अंदाजा हो गया है कि यहाँ पे हमने 250 कर लिया तो हम पकड़ सकते हैं। ये अच्छी टीमें, अच्छे बैट्समैनों की निशानियां होती हैं, फॉरन कम्युनिकेट करते हैं कि जी जो पिच हम सोच रहे थे वो ऐसी नहीं है, इसमें 250 होंगे, 250 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विकेटें नहीं गिरने देनी। तो आई थिंक दे मिस द ट्रिक सम टाइम, इवन योर प्रोफेशनल टीम, दिस इज वे सम टाइम आई बिलीव एज ए मैनेजमेंट यू गेट टू गॉट टू सेंड द मैसेज टू द बैटर्स कि जी लुक डिनाई द विकेट्स नाउ, बिल्कुल, वी नॉट लुकिंग फॉर रन्स, डिनाई द विकेट। अच्छा मुझे भी एक प्लान बन जाता है कोच का और प्लेयर को बताते हैं कि इतने रन करने हैं, बैट्समैन अंदर जाते हैं, ठीक है, पिच देख लेते हैं, बॉल सीम स्विंग हो रहा है, फंस रहा है, जो भी हो रहा है, क्या बैट्समैन बाहर कोच को मैसेज भिजवा सकते हैं कि थोड़ा प्लान को चेंज करना पड़ेगा हमें? 100% होता है, 100% बिल्कुल ठीक। और ये बल्कि कई दफ़ा अंदर जाके बैट्समैन बताते हैं नेक्स्ट बैट्समैनों को और कोच को भी कि जो हम 300 का सोच रहे हैं 300 वाली नहीं 220 वाली विकेट है ये, वो 5-10 ओवरों के बाद जो खेल रहा होता है ना लड़का वो भेज देते हैं अंदर, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे 5 ओवर खत्म होते हैं ना तो वो फिर अपना रिव्यू करते हैं बगैर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्योंकि आपने इंग्लैंड टीम के कोच भी हर दफ़ा होता है, मतलब हर तीसरे मैच में प्लान आपने बना लिया उसके हाँ चेंज कर देते हैं, 100% चेंज करते हैं। okay. और ये एक वो एंडी फ्लावर करता था वैसे, वो करता था कि अगर अंदर जाके जो हमने प्लान किया अगर तुम समझ तो कंडीशन वैसी नहीं है, हमने मिस रीड कर दिया पिच को तो तुम अपना प्लान को चेंज कर सकते हो, वो प्लान फिर ऑलरेडी नेक्स्ट दो बैट्समैनों के लिए शिफ्ट हो जाता है। जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। सो फिर हम यूसुफ क्या वंडर डूसॉन और माकराम को कहें कि उनके लिए ज़रूरी था एक पार्टनरशिप ऊपर से लगाना, जिस तरह मुशी भाई ने कहा है कि मिनी टेस्ट क्रिकेट की तरह छोटी 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 पार्टनरशिप ज़रूरी थी। मिलर डिड हिज जॉब, इवन क्लासन डिड हिज जॉब, ऊपर जो लगातार रन्स कर रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए वो मेन नॉकआउट पर डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा, इंडिया को हम क्यों अच्छा कह रहे हैं कि वो हर सिचुएशन को रीड कर लेती है, वो गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा साउंड है, वो लोग घर पे हैं अपने, वो घर पे लाओ बाहर भी खेलते हैं, बाहर वो जीतते हैं, वो उन्होंने जहाँ भी क्रिकेट खेली अच्छी खेली है, बहुत टेक्निकल साउंड है। साउथ अफ्रीकन में थोड़ा सा भी ये जो क्रिकेट खेल रहे थे शुरू में जितना 400-400 रन कर रहे थे इस तरह की क्रिकेट ही चाहिए आजकल जो हो रहा है, लेकिन बास का जब सरफेस चेंज होगा आपको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अगर वो उस वक्त नहीं करना आता तो आप वन वे प्लेयर हैं जो जिसको आप कहते हैं कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं सकता, वन डायमेंशनल है। हाँ, वो फिर इन्होंने ऊपर से वो ऐसे नहीं खेल सके, थोड़ा थोड़ा सीम हो रहा था, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके वैसे, वो जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें फिर इंसान खुल जाता है। हाँ, बाज का बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही रहती है लेकिन आप कोशिश कर रहे हो तो उसमें आउट हो जाए तो एक अलहदा बात है, लेकिन वो अपनी शॉट्स खेल रहे थे जो कि नहीं खेलनी चाहिए थे, जो मुझे लग रहा है। जैसे मुशी भाई ने कहा कि आप मैसेज बाहर भेज सकते हैं, कोच अंदर मैसेज भेज सकता है कि यार ये 230 या 240 की विकेट है जी, तो ये आपको गेम अवेयरनेस से आइडिया होगा, आपकी टेक्निक से आइडिया होगा, लेकिन वो जो पीछे से एक माइंडसेट लेके आ रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेली थी, 400-400 रन बन रहे थे, फिर वर्ल्ड कप में भी आके उन्होंने वही 400-400 रन 350 रन बनाए, तो वो उसी मूड में चल रहे थे, उस सरफेस को सामने रख के क्रिकेट नहीं खेली कि क्या टोटल आज चाहिए। मेरा ख्याल है वो यहाँ मिस्ट्रिक कर गए, अगर वो थोड़ा सा सोच समझ के अपने मैसेज पिछलों को भी देते, खुद भी अपने आप को एक मैसेज देते कि यार ये वो विकेट नहीं है जहाँ हम 300 या 350 करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ गड़बड़ की है जो कि इंडिया को एज है कि वो अपने आप को एकदम विकेट के मुताबिक ले आते हैं, अप्लाई करते हैं विकेट के मुताबिक। लाला, हम ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देते हैं कि कितना ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अपने आप को विकेट के मुताबिक ढाला, उसकी रीज़न है छोटे टारगेट्स में ट्रिकी विकेट्स के ऊपर जैसा अग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने किया कि हम जल्दी से रन बना लें, बाद में जाके हम फंस सकते हैं, रोकना भी पड़ सकता है। तो आती है ये वाली अप्रोच बहुत अच्छी थी जो आगे शुरू में उन्होंने अटैक किया ना, क्योंकि उनको ये पता था कि इनके पास 2 स्पिनर्स हैं और पिच टर्निंग ट्रैक है, उन्होंने खुद भी उनके बॉलर ने वो की है बॉलिंग, तो उस वजह से इनका जो अप्रोच थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी और बहुत अच्छी अप्रोच थी अटैकिंग क्रिकेट वाली। लेकिन जैसे यूसुफ कह रहा है कि कभी कभार थोड़ी सी कंडीशन होती है तो थोड़ा सा बंदा टाइम ले लेता है, जो आप 6 की 6 बॉलें मेरा मतलब एक जगह पे करना और सीम अराउंड मुश्किल है, तो अब वो फिर बैट बॉल का भी इंतजार करते हैं साथ में एज अ बैट्समैन। इसी तरह जो बड़े प्लेयर हैं वो इसी तरह, हम तो खैर नहीं थे लेकिन जो बड़े प्लेयर जितने भी होते थे वो इसी तरह के, वो 1-2 बॉल का ही इंतजार करते थे जहाँ पिच में कुछ नजर आता था। तो मेरे ख्याल में जो स्टार्ट लिए उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो उनको सोचने भी मजबूर कर दिया। वो जो 50-60 रन की जो पार्टनरशिप थी ऊपर से, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। वही कहते हैं ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, एंड दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया पहले ही बैकफुट पे घसीट दिया साउथ अफ्रीका को, और गेम में लेट जब साउथ अफ्रीका वापस आई तो यस, फिर साउथ अफ्रीका कोप अप नहीं कर सकी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, पर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वी हैव अ लॉट इन प्लान टुडे। रैपिड फायर राउंड के लिए आप लोग तैयार हो जाए तो यस, बहुत सब कुछ होने वाला है। साथ ही साथ समा अकेडमी के बारे में अगर आप उमेर बताते चले, समा अकेडमी भी हम इसी ब्रेक में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों की वीडियोज आ चुकी हैं, जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको वहाँ पर बताएंगे कि टेक्निकली आप कहाँ पर गलत हैं। जो अच्छा टैलेंट है उसको हम निकालेंगे, उसको समा अकेडमी में बुलाएंगे, और फिर यहाँ पर लाला, मुशी भाई, यूसुफ भाई आपको कोचिंग देंगे। तो ये इससे ज़बरदस्त बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।